मुझे जहाँ तक मालूम है और जितना मैंने पढ़ा है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी जान गंवाई है सिर्फ इस वोटिंग के लिए कि उन्हें एक अधिकार मिल पाए कि वो अपना वोट दे सके, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या भगत सिंह हो। इन सबों ने सिर्फ क्या चाहा था, जैसे कि हमारा जो वोटिंग इंट्रोड्यूस हुआ था कहीं ना कहीं याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, लेकिन वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जान गंवाई है सिर्फ इस एक वोट के अधिकार के लिए। तो अब आप लोग समझ लीजिए कि ये कितना प्रीशियस है, तो मेरे हिसाब से तो देना चाहिए। और हिस्ट्री की बात आपने पूछी थी तो मेरे ख्याल से वहीं से आई, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपनी जान गंवाई सिर्फ इस वोट के लिए। ठीक है, थैंक यू। फाइटर्स है, बट अकॉर्डिंग टू द स्टडीज द वोटिंग एंड दिस अमेंडमेंट्स इन ऑल इज बीइंग एक्चुअली केम फ्रॉम यूएस अथॉरिटीज। ओके, यूनाइटेड नेशंस हैज यू नो मेड एन अमेंडमेंट वेयर इन द सिटीजंस आर अलाउड टू वोट। ओके, सो इट कम्स फ्रॉम द अमेरिकन स्टेट्स ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, एंड वोटिंग इज बेसिकली आप अपने जो लोग हैं उनको चुन सकें। ठीक है, योर वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो इलेक्टोरल कॉल और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी ये यहाँ पे सारे जो मतलब पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हो चुके हैं कि क्यों देना चाहिए, कैसे देना चाहिए एंड ऑल, और किसको देना चाहिए। सो मेरे हिसाब से इट्स अप टू यू ऑल वेदर यू डिसाइड। आप प्रीवियस भी देख लीजिए, करेंट भी देख लीजिए, फ्यूचर भी सोच लीजिए, एंड देन यू डिसाइड टू होम यू विल सिलेक्ट योर मिनिस्टर। ओके, थैंक यू सो मच।